तो आज हम बात कर रहे हैं एम एस एक्सेस डेटाबेस की कोर्स पे। जी हाँ, एम एस एक्सेस डेटाबेस कोर्स। और मेरे पास अंशु जी हैं जिन्होंने एज ए डेमो क्लास आज ज्वाइन किया है। अंशु जी, हम बात कर रहे हैं एम एस एक्सेस डेटाबेस जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट? तो एम एस एक्सेस डेटाबेस मेरा कोर्स क्या है इसके बारे में जानिए। तो कोर्स की कंप्लीट कंटेंट के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे गए होंगे। इसके लाइव क्लास मेरे पास दो तरह की क्लासेस है, एक हमारा लाइव क्लासेस है, दूसरा हमारा वीडियो क्लासेस है। वीडियो क्लास तो लाइव क्लासेस के अंदर क्या होगा, जो जूम क्लासेस है वो चले, वीडियो क्लासेस अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस है जो कि आप सिस्टम है मोबाइल ऐप के जरिए यूज कर सकते हैं। तो वीडियो क्लासेस से हटके हम बात करते हैं आपको किस पे लाइव क्लासेस पहले शुरुआत में, फिर वीडियो क्लासेस पे आएंगे। लाइव क्लासेस पे जब आते हैं तो ये हमारा एम एस एक्सेस डेटाबेस का पैकेज है। अब इसके बाद बता दूं ये एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज है, ठीक है? हमारे पास फास्ट ट्रैक मोड भी है, लेकिन जैसा आपने काम बताया वो फास्ट ट्रैक मोड आपके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि फास्ट ट्रैक मोड उनके लिए है जो एक्सेल को एक्सेस पहले से जानते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, या फिर एक्सेस से रिलेटेड कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनके पास टाइम कम है, एक दो दिन में सीख के जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए है। आप देख सकते हैं 6 से 8 घंटे ही हैं, आप समझ सकते हैं 6 से 8 घंटे में कितना सीख पाएंगे आप। राइट, ये हमारा 40-50 आवर्स का कोर्स है, ठीक है? 40-50 आवर्स का कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे के आसपास चलेगा। अब जो 1 घंटा है, अब 1 घंटा हमारा फिक्स नहीं है, ये एवरेज है। ओके, अब एवरेज क्यों है? देखिए, क्लास की टाइमिंग डिपेंड करती है आपकी लर्निंग स्टाइल पे। जैसे कि मैंने आपको चीजें समझाया, एक दिन में तो मैं एक ही टॉपिक करूंगा, दो टॉपिक नहीं करूंगा, अगर दो टॉपिक करने पर थोड़ी सी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम होगी। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास टाइम की कमी है, तो क्लास से ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको एक दिन में एक टॉपिक ही पढ़ाई जाएगी। अब टॉपिक मान लीजिए कि अगर मैं आपको टॉपिक पढ़ाया और मैंने 35 मिनट में टॉपिक ख़त्म कर दी, आपने कोई सवाल नहीं पूछा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, कोई रिपीटेशन नहीं हुआ, तो क्लास ख़त्म। अब आपने उसके लिए 8-10 क्वेश्चन पूछ दिए, तो जाहिर सी बात है 1 घंटा या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। क्लासेज 1-to-1 होगा या फिर 1 से 3 लोगों के बैच में होगा। ओके, और इसमें जो है दो पार्ट है, एक हमारा एक्सेस विथ वीवीए है, एक विदाउट वीवीए है। वीवीए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो मोटा मोटी हाईलाइट देख लीजिए, जिसमें आपको एम एस एक्सेस डेटाबेस होगा, जो टेबल क्रिएशन करते हैं, क्यूरी हो जाता है, क्यूरी एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है, फॉर्म होता है, फॉर्म विथ एसक्यूएल होता है, एक्सेस बिल्ड फंक्शन होते हैं, एम एस एक्सेस बिल्ड माइक्रोज है, एक्सेस वीवीए प्रोग्रामिंग है, फॉर्म विथ वीवीए एम एस एक्सेस है, एडवांस फॉर्म है, पिक्चर इमेज ऑटोमेशन है, सिक्वल क्यूरी है, डेटाबेस कनेक्टिविटीज है, मतलब अदर डेटाबेस एक्सेस से एसक्यूएल और बाकी अलग में, रिपोर्ट क्रिएशन है, और ये तो आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी ऑलरेडी है। अगर इसके डिटेल में जाएं तो यहाँ आपको डाउनलोड पीडीएफ दिखेगा, इसमें आते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या क्या कवर करना है पूरा डिटेल में समझा रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज है, बैच की साइज आपका जो है 1-to-3 होगा, लेकिन बेसिक टू एडवांस होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कितना पहले से पता है। तो ये आपके टॉपिक्स है, जिसमें टेबल क्रिएशन, फॉर्म, क्यूरी, फॉर्म, फॉर्म विद एसक्यूएल, एक्सेस, बिल्ट इन फंक्शंस, दिख रहा होगा, एडवांस, पिक्चर्स, इमेज, रिपोर्ट क्रिएशंस। और ये जो कंटेन है, दिस इज द मिनिमम, नॉट फॉर मैक्सिमम। इसके अलावा आपको कोई ऐसा कंटेन लगता है कि एक्सेस में होना चाहिए और मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो आप इसको इसमें इंक्लूड करा सकते हैं, ठीक है? ओके, हो सकता है कि वो चीज मुझे ना आती हो सकता आती हो, मैं दोनों नहीं कर सकता। अगर आती हो तो मैं आपको करा दूंगा, ना आती हो तो हम दोनों बैठ के रिसर्च करेंगे उस पे। क्योंकि मैं श्योरली बताऊं कि मेरी 70% से ऊपर जो प्रैक्टिस है वो एक्सेल और वीवीए में है, 30% की प्रैक्टिस हमारी एम एस एक्सेस में है। मैं इस चीज़ पहले क्लियर करा देता हूँ। तो हो सकता है कोई फीचर्स मुझे ना आता हो,
बट हम रेडी टू लर्न, और नहीं आता है तो हम आपको राइट सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हम उस पर खुद रिसर्च करेंगे फिर समझा देंगे आपको, ठीक है? ओके उसके बाद ओके ये समझ गए आप। हाँ इसकी फीस आप देख रहे हैं कि वीवीए प्रोग्रामिंग के साथ लेते हैं तो आपको 10,000 है, विदाउट वीवीए लेते हैं तो 6,000 है। अब बात करते हैं अपनी रिकॉर्डेड सेशन पे, वीडियो कोर्स पे। यहाँ से भी जा सकते हैं वीडियो कोर्स पे, या फिर हम आईपी टेक्स स्कूल की जो मेन वेबसाइट है वहाँ से वीडियो क्लासेस पे जा सकते हैं। तो जो वीडियो क्लास आपको देख रहा है, आपको इसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा नंबर डाल के। ओके ओटीपी आएगा, नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, नाम ईमेल आई रखिए, इसमें थोड़ा सा रजिस्टर करना पड़ता है। 5919 ओटीपी के साथ हमने लॉगिन कर लिया, ठीक है? ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन दोनों से लॉगिन कर सकते हैं आप, बस ओटीपी रिक्वायर्ड। ओके इसका आप चाहो तो इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो ऑलरेडी होगा, या फिर प्ले स्टोर लिंक आईओएस में है, आईफोन में है ये। हाँ आईओएस पे आपको जाना है तो लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आपको आईओएस पे माय इंस्टीट्यूट सर्च करना पड़ेगा आपको। माय एक अच्छा लिंक आप सेंड कर देंगे, मैं लिंक आपको भेज दूंगा, या फिर मेरे किसी भी वीडियोज यूट्यूब वीडियोज देखेंगे ना आईपीटी इंडिया की, उसके अंदर मैंने दिया, ठीक है? ओके आईओएस एंड्रॉइड दोनों पे है हमारा, तो इसको डाउनलोड करेंगे और इसको आप वेब पे भी चला सकते हैं, दोनों पे चला सकते हैं। ओके तो इसके स्टोर वाले इस पे चैट फैसिलिटी है ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, कुछ भी पूछना हो आप मुझसे यहाँ से पूछ सकते हैं। ग्रुप में है, देखिए ग्रुप है, ग्रुप में डिस्कशन करनी है ग्रुप के अंदर भी डिस्कशन कर सकते हैं। स्टोर में जब आते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज है, ऐसे पावर बी आई है, एक्सेल है, वीवी है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है, और इसमें हमारा एमएस एक्सेस भी अवेलेबल है। ये देखिए एमएस एक्सेस, इसकी प्राइस बहुत कम है, 600 के आसपास इसकी प्राइस है। इसकी वीडियो कंटेंट में देखें तो इसकी वीडियोज 47 वीडियोज है इसमें। ये आपका एक क्विक लर्न का है जिसमें 5 वीडियोज है, जैसे मान लीजिए आपको फटाफट एक्सेस के बारे में जान जाना है आपको, तो टेबल फॉर्म फॉर्म इवेंट और क्यूरी हमने दिया हुआ है, आप इसको आराम से सीख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ ए वाइज है, टॉपिक वाइज है, जैसे कि टेबल क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोज हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोज हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्यूरी क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोज हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है सिंपल क्यूरी विथ क्यूरी स्टेटमेंट, क्यूरी एंड एसक्यूएल क्यूरी से रिलेटेड है, दिख रहा है? एसक्यूएल क्यूरी जो हम यूज करते हैं उसका है, बराबर। उसके बाद फॉर्म विथ सिक्वल है, फॉर्म के साथ सिक्वल कैसे यूज करेंगे उसका दिया हुआ है। ओके उसके बाद फॉर्म विथ वीवीए है, इसमें वीवीए का पार्ट ज्यादा नहीं है, बस उतना ही है कि जितना जरूरत हो सके उतना ही बताया हुआ है, इसलिए इसकी प्राइस कम है। अगर मैं वीवी इंक्लूड करूंगा तो ये प्राइस 2000 के आसपास चला जाएगा। ओके हाँ इसलिए प्राइस इसकी कम। एक्चुअली मुझे चाहिए वो वीवीए वाला ही चाहिए। हाँ मैंने बस आपको एक्सप्लेन कर दिया है, रिकॉर्डेड सेशन में वीवीए वाला पार्ट नहीं है। बेसिकली जो एक्सेस का क्वेश्चन है, जो कोर्स है हमारा, एक कोर्स हमारा एमआईएस के साथ चलता है, समझे? और एमआईएस के कोर्स में ऑलरेडी जो एमआईएस का कोर्स लेता है उसके पास ऑलरेडी वीवीए ले रहता है। अब एक्सेस का अलग से वीवीए डालें तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि वीवीए मोस्टली सेम है, थोड़ी बहुत चेंज होती है जो कि मैंने 2-3 वीडियो में कवर कर दी है। ओके ठीक है, तो आप जो है रिकॉर्डेड सेशन में ले सकते हैं, इसमें 10 साल की वैलिडिटी है, टेलीफोनिक सपोर्ट है, ठीक है ये ले सकते हैं। हाँ इसके अंदर अभी जो फाइल्स वगैरह नहीं है, फाइल्स वगैरह हम धीरे धीरे डाल रहे हैं सर। ओके जैसे फाइल्स वगैरह हम धीरे धीरे इसमें अपलोड कर रहे हैं। ओके ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहेंगे कोर्स, कि आप वीडियो में जाना चाहेंगे या लाइव में जाना चाहेंगे। एक्चुअली
एक्चुअली मुझे इतना आइडिया नहीं है, आप जैसा सजेस्ट करेंगे तो वो मेरे लिए बेटर रहेगा। देखिए रिकॉर्डेड में आप जाते हैं तो आपके ऊपर टाइम की बाउंडेशन नहीं है, जब मर्जी तब सीख सकते हैं, ठीक है ना, जितना सीखना उतना सीख सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे सीख ओके सकते हैं, लेकिन सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ओके आपके पास सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटी नहीं है, ये जो कि बहुत कम में होता है, कहावत आपने सुना होगा गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता है, ये तो है सही, ठीक है ना। कुछ ऐसे सिलेक्टेड टीचर्स हैं जो कि सीख लेते हैं, जैसे उसमें मैं भी है, मैंने भी किसी से सीखा नहीं, खुद से सीखा है, बट खुद से सीखने में टाइम बहुत लगता है। जैसे मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम आ गई, उसकी सॉल्यूशंस के लिए आप गूगल करेंगे और गूगल आपको कुछ सेकेंड्स में जवाब नहीं दे देगा, बराबर, और करेक्ट जवाब भी नहीं देगा। तो अगर आप लाइव जाते हैं तो रिकॉर्डेड हर क्लास की रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी साथ में, बराबर, और आपको मेरा गाइडेंस भी मिलेगा। आगे चल के प्रोजेक्ट वगैरह में आप काम करेंगे अपने, तो ये सही है, तो वहां भी आपको सपोर्ट मिलेगा।